के जितने बैरियर आएंगे वो सब तोड़ेंगे और हमने इनको छुट्टी दी है। ये लाठी गोली जो इनके पास चलाए और टाइम दे दे के तोड़ रहे हैं। इन्होंने आधे घंटे का टाइम मांगा, हमने कहा फोर्स का इंतजाम कर लीजिए तोड़ेंगे। इन्होंने फोर्स का इंतजाम किया और हमने इनका बैरियर तोड़ा। अब आखिरकार रात को पड़ाव कहाँ होगा? बारिश हो रही है काफी। इसी रोड के ऊपर होगा, इसी रोड जीटी रोड के ऊपर। करनाल कहाँ पे करेंगे? जहाँ भी जगह मिलेगी जीटी रोड के ऊपर ही करेंगे और जीटी रोड के ऊपर ही पूरी रात गुजारेंगे। हम एक्सेसिव फोर्स जिसको मैं कहूँगा फिजिकल फोर्स हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हम उस तरीके हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, लाठी चार्ज है, हाथापाई है, धक्का मुक्की है। हम उस चीज़ को अवॉइड करना है, उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम जितने एफर्ट कर सकते हैं और आज की सिचुएशन में भी जो हम कर सकते थे वो हमने किया। बट विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनकी मंशा थी और जिस तरीके से यहाँ पे हमने शरारती तत्व देखे, आपने भी देखे, पथराव भी हुआ है, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, तो उसको हम विदाउट यूज ऑफ फोर्स हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब जो ये लोग यहाँ से गए हैं तो अब आगे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उनकी भी हम ये सोचेंगे कि वो लोग भी वहाँ पे रोकेंगे। देखिए चोटें ज़रूर आई होंगी क्योंकि जितना वहाँ पे गिरे भी हैं, गाड़ी के आगे उन्होंने रोकने की कोशिश भी की है, पथराव भी हुआ है, किसी को पत्थर भी लगा है। इनफैक्ट हमारी जो गाड़ी है शायद वाटर कैनन है उसको भी क्षति पहुँची होगी। तो अभी सारा असेसमेंट करेंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लीगल एक्शन भी लेंगे। जो यहाँ पे रोड जैम हुआ है, जो ऐसी कार्रवाई हुई है उस पर 100% लीगल एक्शन बनता है। हम रेलिवेंट सेक्शंस में इसमें FIR रजिस्टर करेंगे। रोका जाएगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी उसको? देखिए हमारी स्ट्रेटजी है, अगेन हम बैरिकेडिंग करेंगे, नाकाबंदी अच्छी तरीके से करेंगे, फोर्स का डिप्लॉय करेंगे और हम कोशिश करेंगे डायलॉग्स के साथ। जब यहाँ पे हमारे डायलॉग्स फेल हुए, डायलॉग्स करने के लिए मुझे लगता है जो PKU अध्यक्ष थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमने इनको थोड़ा टाइम भी दिया, टाइम भी लिया कि हम बात करते हैं, बट ही वॉज नॉट रेडी टू, यू नो, ही वॉज वेरी एडमेंट कि हम तो आगे जाएंगे और उस कंडीशन में हम उसको विदाउट यूजिंग ऑफ फोर्स हम उनको नहीं रोक पाए। और जो हम कोशिश करेंगे जो पंजाब से जो किसान आएंगे उनको हम डायलॉग्स के साथ उनको वहाँ पे स्थगित करके रखें और हम हरियाणा में ना एंटर करें। किसी को भी लैंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, वही हमारी कोशिश है। कोई पैदल जा रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहाँ जा रहा है। 140 और लगी हुई है, उसकी अवहेलना अगर है उसके पर कार्रवाई का है। इसीलिए वाटर कैनन जरा यूज़ किया है, लेकिन बहुत सारे तो रह गए यहाँ पे, देखा है पीछे कुछ क्रॉस कर गए हैं, तो आगे कार्रवाई होगी। सर पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं कुछ, इसमें उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि गाड़ी में कितने आके टक्कर मारी है, उसका पता दर्ज करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आज मैं बहादुरगढ़ में SSP झज्जर और DC झज्जर के साथ आया हूँ। जो किसान एजुकेशन है उसके पुलिस अरेंजमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अरेंजमेंट्स का मुआयना कर रहे हैं। तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तैयार है कि जो हमारा जो एजुकेशन है उसको बड़ी पीसफुली हैंडल करेंगे और किसी भी प्रकार की अपने घटना नहीं। कितनी फोर्स तैनात की गई है सर? देखिए फोर्स का SP साहब मुझे एग्जैक्ट अगर बताएंगे। टोटल हमारे यहाँ 1500 की फोर्स डिप्लॉयमेंट की है बहादुरगढ़ में और हमारे नाके हैं 11 नाकों पे हमारी टोटल 1500 की डिप्लॉयमेंट है, जिसमें हमारा क्लियर गैस है, हमारा पूरा स्टेट पूरे मुलाजिम खुले इक्विप्ड है, बैरिकेटिंग है, टोटली हमारा पूरी तरह से ठीक है। तो ये 1500 की फोर्स डिप्लॉयड है। अभी हमने एक बार जो पुलिस अरेंजमेंट्स हैं उनका मुआयना कर लिया है, थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन करके उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हम कर लेंगे ताकि हमारा ये बिल्कुल भी विश्राम करने के लिए रुके तो थे, लेकिन अभी साथी राय दे रहे हैं कि और आगे चलें, तो अभी हम निकलेंगे और फिर कहीं करनाल के आसपास विश्राम करेंगे। स्थिति कुछ भी हो, बैरियर लगाए थे इन्होंने, हमने तोड़ दिए, इन्होंने पानी के फुहारे मारे, इन्होंने बहुत कुछ किया जो ये कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन हमने इनके बैरियर तोड़ दिए। आगे भी लगाएंगे तो आगे भी तोड़ेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, दिल्ली कूच ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो घर से लड़ाई के लिए निकले हैं, अब मैदान में क्या होगा हमें नहीं पता।
रही है। रोड पे जो भी मूवमेंट है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, किसी को भी दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। अभी तक जो हमें सूचना मिली है वो पीपली में किसानों को रोका गया है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, यहाँ पे हमने कंक्रीट के ब्लॉक्स, ट्रक्स वगैरह लगाए हैं, हमारी पूरी फोर्स तैयार है, बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं। किसी भी सूरत में यहाँ से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे अपील रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो जहाँ हैं वहीं रहें और दिल्ली जाने के प्रयास ना करें। सर, कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए किस तरह की पूरी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं, हमारे पुलिस फोर्स तैयार है, धारा 144 हमने लगा रखी है। किसी भी कीमत पर यहाँ से किसी को आगे दिल्ली के लिए नहीं निकलने देंगे। हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं वो ऑन है, हम जो भी व्हीकल्स हैं इनको इंद्री के जरिए डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हमने बाकी जो ज़िले हैं पानीपत और सोनीपत वहाँ टाई अप करके वहाँ से भी ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू कराई है। ये बात तो ठीक है कि कुछ लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको असुविधा हो सकती है, लेकिन प्रशासन की पूरी कोशिश है कि हम डाइवर्जेंस के जरिए जितनी इस असुविधा को कम कर सकें उतनी करेंगे। तो सर, अनजाने में लोग आसपास के गांवों से गुजर रहे हैं और वहां भीड़ी तंग गलियां होने की वजह से वहां पर फंस रहे हैं, तो सबसे आग्रह रहेगा कि वो बिल्कुल ना निकलें, जो जहां पे हैं वहीं पे बैठा रहे।